हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या है वो सबसे बड़ा झूठ जो 80 से 90% लोगों को नहीं पता है। ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट द वीडियो बने रहना है क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बहुत एक बड़ी जो मिसकंसेप्शन होती है लोगों को वो हम बेसिकली रिवील करने वाले हैं। तो क्या है वो सबसे बड़ा झूठ, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस एक जो डेटा हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उस डेटा को देखिए। ये जो डेटा है ना, बहुत पहले एक बार इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी किया गया था, ठीक है। ये जो डेटा है आपको ये बता रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हम केवल यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज को नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, हम केवल बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। कुछ दिन पहले के डेटा है, अगर देखिएगा इंटरनेट पे ये मिल जाएगा। तो 16,600 का आपको पूरा वैकेंट पोस्ट है, जिसमें कि 2,371 पोस्ट प्रोफेसर के लिए है वैकेंट, 4,708 जो पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, और 9,521 जो पोस्ट है वैकेंट पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अगर आज के डेट में अगर आप इसको मैच कराइएगा तो ये डेटा कहीं ना कहीं बढ़ ही जाते हैं, घट नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके हमको ये जो डेटा दिखाना पड़ रहा है, ये क्यों दिखाना पड़ रहा है, इसकी जो मेन फैक्टर है वो क्या है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा यूजीसी नेट मैंने 5 बार निकाल लिया है, 10 बार निकाल लिया है, लेकिन अभी तक हमें जॉब नहीं मिली है। ध्यान रखिएगा, वो जॉब न मिलने का कारण यही हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अवेयरनेस की कमी है, या तो आपको नॉलेज की कमी है, ठीक है, या तो आपको किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, या जॉब आप अच्छे से सर्च नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना आप कि भाई सर नेट निकालने का तो मतलब यही है, नहीं है कि आपको जो नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज बेसिकली हो सकता है, लेकिन वो जो नेट के पर्सपेक्टिव से नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आपके लिए है। मैं ओवरऑल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो पढ़ा है, पढ़ने के बेसिस पे आपने नेट क्रैक किया है, जेआरएफ क्रैक किया है, वो नॉलेज है आपके पास, लेकिन ओवरऑल जो आपका एक्सटर्नल नॉलेज होनी चाहिए थी वो नॉलेज नहीं है। कहीं कहीं ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंपटीशन नंबर के नंबर में देखें अगर तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर एक एक्चुअल कंपटीशन की बात करी जाए तो वो एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ ही आपको भिड़ना पड़ता है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी वो आप जॉब ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि कैसे, अगर क्या ये बातें झूठ होती है, क्या क्या हम बात कर रहे हैं यूजीसी इक्वल टू जॉब लगती है नहीं लगती है, इसके ऊपर हमारी बात होने वाली है आज। थ्रू आउट द वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलने वाली है। देखो, कई बार मेरे को भी मैसेज आता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया इन्होंने, जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, वो बातें ठीक है। देखो, ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ना, ये बेसिकली इंश्योर नहीं करता है आपको कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। आपको यूजीसी की जो टीम है घर घर आके नॉक नहीं करेगी, भैया आपने यूजीसी नेट पास कर लिया है, जेआरएफ पास कर लिया है, चलिए पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, या चलिए हम जॉब ऑफर कर रहे हैं आपको, ये नहीं होता है। यूजीसी नेट का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपको एलिजिबल बना दिया जाता है कि आप किसी भी इंडिया के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो एलिजिबल होना और जॉब लगना बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एलिजिबिलिटी तो आपने क्राइटेरिया जो है बेसिक क्राइटेरिया थी वो मैच कर लिया। अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक क्राइटेरिया बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स और होते हैं जिस पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो वो जो इंडिकेटर्स है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको वैकेंसी के लिए सर्च करना पड़ेगा। अब ये वैकेंसी के लिए आप सर्च कहाँ करोगे, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट आते रहते हैं, आप अपने फेसबुक के किसी कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाओ, है ना, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें जुड़ जाओ, कई सारे यूट्यूब के चैनल्स होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलर, है ना, जॉब के बारे में ही आपको बताते हैं, है ना, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसी है, यहाँ इतनी वैकेंसी है। सिमिलरली आपको कई सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, है ना, जहाँ पे आपको ये सारी वैकेंसी बताई जाती हैं बेसिकली। तो आपको वैकेंसी के लिए देखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसी आ रही हैं। आजकल तो बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, है ना, उसमें आप अगर फिल्टर करके डालिएगा
असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, तो आपको बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वैकेंसीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी के लिए आप देखना सीखो कहाँ कहाँ मेरे लिए क्या क्या वैकेंसीज है, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, है ना। वैकेंसी सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लियर। एक बार आपने ये सीख लिया, उसके बाद आपको AQI पे आना पड़ेगा। AQI बेसिकली आपके मेरिट को डिटरमाइन करेगा, और ये कुछ सेवरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल आपके एक कंपोजिट स्कोर को। अब ये मेरिट में हम क्या क्या कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपकी मार्क्स देखी जाएगी, जो UGC ने अपने गाइडलाइंस में बताया है कि इतना परसेंट आपको मिनिमम मार्क्स इतना होना चाहिए। उसमें आपका 10th आ जाएगा, 12th आ जाएगा, ग्रेजुएशन आ जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा, तो मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा एकदम अबव लिमिट तक, ठीक है, जो कि यूजीसी ने आपको बताया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कॉलेज लेवल पे अवार्ड है, लाइक एकेडमिक अवार्ड हो गया आपका, कोई स्पोर्ट्स अवार्ड हो गई आपकी, है ना, टीचिंग से रिलेटेड कोई अवार्ड हो गया आपका, जैसे टीचिंग में बहुत सारे ट्रेनिंग कराए जाते हैं बेसिकली, है ना, उसके अवार्ड हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, या NCC NSS के सर्टिफिकेट हो गए कॉलेज लेवल पे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक कंसिडरिंग फैक्टर होता है जिसपे आपको एक आध नंबर जो डिटरमाइन हुआ होता है ओवर स्कोर, है ना, उसमें जुड़ जाता है आपके नंबर, ठीक है। उसके बाद आपके रिसर्च एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जाती है ना। तो रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब आप PhD हो कि नहीं हो, उसको तवज्जो दी जाती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें रिसर्च की मान्यता जो है, रिसर्च बहुत हाई लेवल पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जनरली देखिएगा कि आपके अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज की या PSC के कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो रिसर्च को आपको कम तवज्जो दिया जाता है। आपका नेट के साथ अगर रिसर्च है तो 2 नंबर मिल जाते हैं, नेट JRF है 2 नंबर मिल जाते हैं, नेट MPhil है 1 नंबर मिल जाता है। तो बेसिकली आपको रिसर्च को उतना, तो स्टेट में या कोई भी PSC कॉलेज है ना, आपको डिग्री कॉलेज है आपके स्टेट में, तो उसमें आपको कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे आपको दादे ये इसका वेटेज मिलता है। तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा कि वेदर यू हैव PhD और MPhil और नॉट, राइट। उसके बाद आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस देखी जाएगी, कितना आपने रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, आपके कितने सेमिनार्स हुए हैं, है ना। तो अप्रॉक्स आपके 4 से 5 या 3 से 4 जो पेपर होते हैं, जो UGC लिस्ट में अप्रूव्ड होते हैं, जो टॉपिक उस पर आपने पेपर अपना पब्लिश कराया है, तो वो आपका मोर देन सफिशियंट है। तो ये सारे ऐसे कंसिडरिंग फैक्टर होते हैं, ये सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि आपके एक पूरा का पूरा जो ओवरऑल स्कोर बनता है, हमारा कंपोजिट स्कोर बनता है, वो उसमें जुड़ जाता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना था, आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, वैकेंसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखा, है ना, बहुत सारे वैकेंसी आते रहते हैं। उसके बाद आपने AQI वाला जो पार्ट है ना, उस पर आपको अभी से जुड़ जाना चाहिए, अभी से मेहनत कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये 2 पार्टिकुलर स्टेप हो गए। उसके बाद अब इंटरव्यू में आते हो, इंटरव्यू आपका 3rd स्टेप होने वाला है, जिसमें में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपने जो जो भी प्रेजेंट किया था, है ना, वो सारे ओरिजिनलिटी डॉक्यूमेंट जो है शो करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। उसमें आपके जो जो भी आपने दिखाया होगा, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं आपके, क्योंकि आप नेट एग्जाम दे लेते हो, नेट के एग्जाम में आप वहाँ पर तो डाल दोगे कि हमने EWS से नेट पास किया है, हमने SC ST या हमने OBC से नेट पास किया है, तो लेकिन वहाँ पर कोई चेक थोड़ी करता है, ठीक है। आपको इंटरव्यू के टाइम ही आपका पूरा वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कोई भी एक कॉलेज में 4-5 पोस्ट के लिए आया हुआ है वैकेंसी, है ना, उस 4-5 पोस्ट के लिए 300-400 लोगों ने वैकेंसी को फुलफिल किया है, तो ध्यान रखिएगा सभी सभी लोगों को बुलाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन, एक्चुअल भिड़ने वाले लोग जो होंगे ना, वो बहुत कम होंगे, ठीक है। कोई आपके AQI में मार खाएगा, कोई आपके किसी भी चीज़ में मार खाएगा। तो अगर ये जो मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ, अगर आप इसको क्लिक करते हो, मतलब सारी फुलफिल करते हो, तो आपका बहुत बढ़िया है। ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के टाइम मैंने बताया कि जैसे 4-5 कोई पोस्ट है किसी भी कॉलेज का, उस पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 400-500 लोग आए हुए इंटरव्यू देने, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, और फाइनल जो है आपका जो मेरिट कैलकुलेशन होगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरिट कैलकुलेशन होगा, है ना। और उसके बाद जो ओवरऑल आपकी जो 4-5 पोस्ट के लिए, मान लेते हैं 5 पोस्ट के लिए लोग आए हुए हैं, पाँचों को, मतलब अकॉर्डिंग टू योर मेरिट कैलकुलेशन, ठीक है, मेरिट कैलकुलेशन के बेसिस पे। अब ये मेरिट कैलकुलेशन इसी सारे पैरामीटर जो मैंने बताया है, उसी सारे पैरामीटर पे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मेरिट कैलकुलेशन की जाएगी, और पांचों को जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे, है ना, उनको जॉब असाइन कर दिया जाएगा।
ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आपको किसी भी इंडियन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल जल्दी आपको कोई नहीं बता पाएगा। इवन ही इज PhD, है ना, वो PhD भी होगा, वो उसने रिसर्च भी करा होगा, लेकिन ये सारे फैक्टर जनरली नहीं पता होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज भी जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें एक ऑप्शन आता है कि लैक ऑफ नॉलेज, है ना, या उनको नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो यही सारे फैक्टर हैं जो हम पढ़ते हैं, उसको अगर प्रैक्टिकल आप एप्लीकेबल देख करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भिड़ना बहुत कम लोगों से है, कंपटीशन आपको हमेशा दिखाई देगी। कंपटीशन आपको 30 फॉर्म आएगा तो 30,000 कंपटीशन दिखाई देंगे, 3 लाख कंपटीशन दिखाई देंगे, लेकिन वहां पे एक्चुअल जो कंपटीशन होने वाली है वो आपको बहुत कम ही होने वाली है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास करिए, आप अपने ऊपर विश्वास करिए और आप आराम से इस जॉब को ले सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहली पहली जो मंजिल है, सबसे पहली जो सीढ़ी है, मंजिल नहीं बोलूंगा, सीढ़ी बोलूंगा, ठीक है? सबसे पहली जो सीढ़ी है वो आपका क्या है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। यूजीसी नेट क्वालिफाई किया आपने तभी ये आगे फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सकते हो आप। तो इसलिए हम यूजीसी नेट के लिए आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स ला चुके हैं। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेज लेता हूँ। तो अगर आपको भी अपना बेस स्ट्रांग करना है, फाउंडेशन कोर्स में आप हमारे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इसके, ठीक है? नीचे दिया गया नंबर है, आप उस पे बेसिकली कॉल करके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत मोटी सी जानकारी है, मोटी सी इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप डीमोटिवेट कभी भी नहीं होगे, जो भी बोलते हैं आपको कि यूजीसी नेट मैंने 10 बार पास किया है, 5 बार पास किया है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है? धन्यवाद। बेसिकली आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को नए हो तो, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।